मन में, मेरे मन में बसा, अब तुम बिन चैन। हेलो 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 अबे हेलो 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 कौन है बे? मैं चोर। कौन चोर? मैं चोर सिंह। चोर कुमार कह लो। साले तू अबे सेठ जी इतने भोले काहे को बनते हो हैं? अभी परसों तुम्हारे घर में चोरी हुई थी, वही चोर बोल रहे हम। तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला बे? नंबर तुम्हारी अम्मा ने मैसेज किया था, तभी से नंबर आ गया हमारे पास। तमीज से बात कर ले रहे। अबे सेठ जी तू नू बता कि तेरे घर में हमने चोरी करी 50,000 रुपये की, और तुम सारे थाने में जाके 2,00,000 रुपया काहे लिखवा दिया है? अब मेरा सरदार हम पे शक कर रहा, बाकी के 1,50,000 रुपये का हिसाब मांग रहा है। मारते मारते मेरी गान लाल कर दी। कम से कम मेरे पे नहीं तो मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चों पे तो रहम खा। मेरा सरदार मुझे गैंग से निकाल देगा। वहाँ थाने में जाकर तो बता कि 50,000 रुपये की चोरी हुई थी, तो उन्हें 2,00,000 रुपये लिखवा दिए। अजी कद्दू रहम खाता, क्या मेरे छोटे छोटे बच्चे नहीं है? और मेरी तो बीवी भी नहीं है, भाग गई ससुरी किसी गैर मर्द को लेकर। मैं पैसा ही कमाता रह गया, ऊपर से हमारे घर में चोरी भी हो गई। अबे सेठ तू पनौती ना मार रे, तू मेरी बीवी ले लियो, लेकिन तू थाने जाकर सच सच बता दे कि तेरे घर में 50,000 रुपये की चोरी हुई है। अभी मैं काहे को जाता बे? अबे सेठ तू बड़ा चिंदी चोर निकला बे। हैं वाले तुझसे कम ही चिंदी चोर हूँ मैं, मेरे लुंगी कुर्ता तक उठा ले गया तू। हैं हाँ रे सेठवा सही बोला तू। देख तेरे लुंगी कुर्ता हमने इसलिए चुराया है कि जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। देख अभी हमने तेरे घर में चोरी की तो मैं बच गया, ठीक। अभी किसी अमीर आदमी के घर में चोरी करने जाऊंगा तो वहाँ पे लगे रहते हैं CCTV कैमरे, ठीक। जब पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड होगी तो कपड़ों के हिसाब से पुलिस छानबीन करेगी, ठीक है। तो कपड़ों के हिसाब से चोर कौन बनेगा? तू। तेरी गान लाल कर दी जाएगी, इसीलिए मैं तेरे लूंगी कुर्ता चुरा लाया। और बता। अरे तू साले चिंदी चोर चाहे जितने बहाने बना ले, लेकिन मैं थाने जाके सच्चाई ना बताता। और बोल। अरे सेठ जी हमें तुम पर रोना आ गया। सेठ जी हमें लगता आप बहुत गरीब और भले इंसान हैं, तो हम तुम्हारे 50,000 जो चुराए थे वो भी लौटा देंगे, लेकिन तुम हमका एक बार बता दो प्लीज कि 50,000 की चोरी 2,00,000 लिखवाना पूरा मामला क्या है। सेठ जी सुनना चाहते आप, अपने तुम्हारे श्री मुख से सुनना चाहते हैं, तुम्हारे 50,000 भी लौटा देंगे हम, सुनाइए। तो बेटा सुन, देख पड़ोस वाली रीमा से मेरा टाका भिड़ा था तगड़ा, मैं शादी को कहता तो वो मांग लेती 9,00,000, तो मैंने भी दिमाग लगाया, पुलिस को चूतिया बनाया, 50,000 चोरी को 2,00,000 लिखवाया। अब तू समझ 2,00,000 मिलेंगे, 1,00,000 में रीमा को हार दिलवाऊंगा और बाकी बचे 1,00,000 रुपयों से हनीमून पे जाऊंगा। कैसा रहा मेरा आइडिया है? सुनो मेरे सेठ लाल, अब तो जरूर होगी तुम्हारी गान लाल, क्योंकि तुम्हारी कॉल में कर रहा रिकॉर्ड अब तुम नहीं बना पाओगे पुलिस को फ्रॉड। सूचना देने के लिए धन्यवाद। हेलो 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 सुन तो, आधा तू भी ले लियो, सुन तो हेलो हेलो। फांस दिया साले ने। अब ये ससुरा कॉल रिकॉर्डिंग थाने में भेजे, इससे पहले ही मैं थाने जाकर सब कुछ बता दूंगा। सो गाइस वीडियो कैसी लगी? देखो एकदम से अलग थलग पड़ चुके हैं बिल्लू बचानी, यानी कि अपनी टीम भी बिखर चुकी है। ज़्यादातर हमारी टीम में बच्चे थे, कोई पढ़ने जाता है तो किसी को टाइम नहीं है, कोई अपने गांव चला गया, कोई कहां चला गया। लेकिन ये जो नशा है वीडियो बनाने का, आप लोगों को हंसाने का, ये इसी तरह से जारी रहेगा। इसका रिजल्ट चाहे जो आए, हमें नशा है, हम बनाते रहेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, हमारा मनोबल बढ़ता है।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।